Dear friends, I am Vandana Mukherjee. Welcome back to my kitchen. Today, I am going to make eat special recipe. That is Vermicelli porridge or Sevai ki Kheer. This recipe is favorable to all. Let's see the ingredients required in this recipe. सबसे पहले दूध रखे हम 1.5 लीटर और सिवई रखे हैं 100 ग्राम शक्कर ली है यहाँ पर 100 ग्राम किशमिश ली है कुछ थोड़ा सा रखे हैं और काजू ली है 8-10 पीस को हम बारीक काट लिए हैं घी रखी है 1 चम्मच और ये इलायची है इलायची पाउडर जो हम कूट ली है 2-4 इलायची लेकर इसको कूट ली है। सबसे पहले ये सिवई के हम थोड़ा सा भून लेंगे। गैस ऑन करते हैं कढ़ाई ले लिया कढ़ाई गर्म हो गया हम घी डाल देते हैं घी थोड़ा सा मेल्ट हो जाए घी मेल्ट हो गया हम सिवई को डाल देते हैं और इसके हम चलाते रहेंगे हल्का सा इसको भून लेंगे और ऐसे ही चलाते रहेंगे नहीं तो कढ़ाई में नीच में लग कर जल जाएगा। ये हल्का सा भूननी है गैस बंद कर देते हैं गैस ऑन है हम एक तपेली ले लिया और ये डाल देते हैं ये दूध को हम गर्म होने देंगे दूध गर्म हो गया हम सिवई को डाल देते हैं ये सिवई को हम ऐसे ही चलाते रहेंगे जब तक सिवई फूल कर ना उठे ये हम ऐसे ही चलाते रहे और गैस को हम लो फ्लेम में रख दिए हैं थोड़ा सा काजू हम दूध में डाल देते हैं और बाकी हम डेकोरेट करेंगे ये किशमिश हम थोड़ा सा डाल देते हैं और बाकी हम डेकोरेट करेंगे देखिए ये सेवई फूल कर उठे हैं और हम इस पर शक्कर डालेंगे शक्कर को हम थोड़ा सा चलाएंगे ये फूल जाएगा ऐसे हम लगातार इसको चलाएंगे जब तक ये सेवई फूल कर ना उठे और फूलने के बाद हम शक्कर डाले हैं और शक्कर भी घुल गया गैस बंद कर देते हैं ये सिवई की खीर रेडी हो गया ये गैस हम बंद कर दिए 5 मिनट इसको हम ठंडा होने देते हैं और ऊपर से ये जो इलायची पाउडर ये डाल देते हैं फिर और एक बार इसको चला देते हैं इसको खुशबू खीर से आ जाएगा ये खीर सिवई की खीर रेडी हो गया ये आप फ्रिज में डाल के खाइएगा तो और अच्छा लगेगा ठंडा होने से ये पुडिंग का जैसा लगेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें।